अस्सलाम वालेकुम। कतर के रेटर में आप सबका स्वागत है। यदि आप कतर में रहते हैं, कतर के अहम तरीन खबरों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके नोटिफिकेशन तक पहुँच सके। दोस्तों, कतर के कुछ अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। दोस्तों, कतर का एक QRCS है। QRCS एक कतर का एक ग्रुप है जो मदद करता है कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कोई बीमार है, कोई किसी को सर्जरी करना है, तो ये ग्रुप बहुत ही अच्छे से उन लोगों को मदद करने के लिए पूरी तरह से काबिले एहतराम है। तो दोस्तों, कतर के जो QRCS है वो गाज़ा के शहर में 43 लोगों को कंप्लीट जो है सर्जरी कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, 43 लोगों को सर्जरी किया गया। दोस्तों, कतर ने बहुत सारे देशों में अपनी ये योगदान, अपनी मदद पहुंचा रहा है। जहाँ कतर जानता है कि हाँ भाई, यहाँ के लोग परेशान हैं, ऐसे जगह के लिए कतर ने बहुत सारे इमदाद किए हैं। ये इतिहास गवाह है दोस्तों। दोस्तों, जो दूसरा मैं आप लोगों को बात करने वाला हूँ वो कतर में काम करने वाले वर्कर्स को लेकर है। काम करने वाले वर्कर्स बहुत सारे परेशान रहते हैं कि कतर में आने के लिए वीजे निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, या छुट्टी जाएंगे तो आ सकते कि नहीं आ सकते, या जो इंडिया में हैं वो आ सकते कि नहीं आ सकते। फीफा वर्ल्ड कप जो मैच होने वाला है उसको लेकर बहुत सारे लोगों को ये सोच है कि कतर से जो जाएंगे वो वापस नहीं आएंगे, जो चले गए वो वापस नहीं आएंगे, और जो जाएंगे फिर वो वापस नहीं आ सकते। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, लास्ट में आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। दोस्तों, कतर की जो फ्लाइटें हैं उनका कुछ टिकट में कुछ इजाफा है, ऐसा तो कुछ नहीं है लेकिन कुछ 9-10 है, क्योंकि कतर से जो फ्लाइट जा रही है वो जो है यहाँ का वर्ल्ड कप होने वाला है, फीफा मैच होने वाला है, उस हिसाब से कुछ अपना जो उनका सेटिंग है उस हिसाब से, और कुछ कोरोना की वजह से वो अपने ही हिसाब से, अपने सेटिंग के हिसाब से वो जहाज जाती आती है, क्योंकि इधर वर्ल्ड कप का मैच होने वाला है इसलिए कुछ 9-10 का ज़्यादा आपको मिलेगा, इसलिए शायद थोड़ी सी इजाफा हुआ है टिकट में, और कोई मसला नहीं है। और बहुत सारे लोग, हमारे दोस्त लोग जो वर्कर्स हैं वो बात कर रहे हैं कि कतर में जो चले गए वो वापस जो है उससे पहले नहीं आ सकते, या कतर में जो आने वाले हैं वो वर्ल्ड कप तक नहीं आ सकते। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप जैसे ही पहले जाते आते थे वैसे अब भी जा आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपकी कंपनी आपको छुट्टी दे रही है या आपकी कंपनी आपको नहीं छुट्टी दे रही है तो आपकी कंपनी का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका प्रॉब्लम हो सकता है। कतर में कोई ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप लोगों को जाने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ अफवाह है दोस्तों, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल पूरी तरह से फ्लाइट नॉर्मल चल रही है। और जो वीज़ा का काम है वो वीज़ा का काम भी, फ्री वीज़ा जिसे आप लोग बोलते हैं वो फ्री वीज़ा भी निकलता है, और सख्ती वीज़ा भी निकलता है, कंपनी का वीज़ा भी निकलता है, जिसको भी आना जाना है वो आ जा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बिल्कुल अफवाहों पर ध्यान ना दीजिए दोस्तों, और बिल्कुल जैसे पहले की तरह पहले चल रहा था कतर में वीज़ा निकलना आना जाना, वैसे अब भी आना जाना बहुत ही अच्छी तरीके से, यहाँ की जो सेक्रेटरी है बहुत ही अच्छी तरीके से वो आने जाने का, लोगों का चेकिंग का बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रही हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों, कतर बहुत सारे दोस्तों को मदद भी करता है, और कोरोना के टाइम में भी बहुत सारे देशों को अपने फ्लाइट से लोगों को पहुंचाया
तो जाहिर सी बात है यहाँ के जो वर्कर रहने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको कभी भी परेशानी में नहीं छोड़ सकते। तो दोस्तों, अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे ही आप लोगों को हेल्पफुल हमारी तरफ से आप लोगों को वीडियो मिलते रहेगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा दोस्तों। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।